हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वेव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ये वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस ट्यूटोरियल में आज हम डिस्कस करेंगे वाटर जग प्रॉब्लम। ओके, सो वाटर जग प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टेट स्पेस सर्च के एग्जांपल के तौर पर हम पढ़ते हैं। और पहले हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हमारे पास यहाँ पर है और उसके बाद किस तरह की प्रॉब्लम ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो जग है, जिसमें से एक की कैपेसिटी 4 लीटर है और दूसरे की कैपेसिटी 3 लीटर है। और यहाँ पर हमारे पास एक पंप भी अवेलेबल है जिससे हम अनलिमिटेड वाटर 4 लीटर एंड 3 लीटर वाटर जग के अंदर फिल कर सकते हैं। और 4 लीटर एंड 3 लीटर वाटर जग से उसका पानी हम ग्राउंड पर भी डाल सकते हैं। तो एक ग्राउंड भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ नो मार्किंग अवेलेबल ऑन जग, जग्स के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं है जिससे हम मेजर कर सकें कि इसके अंदर 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है या 4 लीटर पानी है। यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है, हाउ वी कैन गेट एग्जैक्ट 2 लीटर ऑफ वाटर इन 4 लीटर जग। सो यहाँ पर इस 4 लीटर वाटर जग के अंदर हमें 2 लीटर वाटर एज ए गोल स्टेट लाना है, मतलब इस 4 लीटर जग के अंदर हमें 2 लीटर वाटर फिल करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट रिप्रेजेंटेशन एंड इनिशियल स्टेट वाटर जग प्रॉब्लम्स के लिए देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसमें स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम हम एक्स और वाई की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर एक्स आपके 4 लीटर वाटर जग को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई यहाँ पर आपके 3 लीटर वाटर जग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रॉब्लम में जो स्टार्ट स्टेट होगा वो होगा 0 0, इसका मतलब 4 लीटर जग एंड 3 लीटर जग अभी हमारे पास एम्प्टी अवेलेबल है, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी पानी हमने फिल नहीं किया है। और गोल स्टेट होगा वो यहाँ पर होगा 2 एंड 0, मतलब 4 लीटर वाटर जग के अंदर हमें 2 लीटर वाटर फिल करना है और यहाँ पर इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, जिसमें 0 <= y <= 3, मतलब y के अंदर 0 से लेकर 3 लीटर तक का वाटर हम फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम के कुछ पॉसिबल ऑपरेशंस देख लेंगे जो कि स्टेट स्पेस सर्च के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर सेट ऑफ पॉसिबल ऑपरेशंस हम बताएंगे, x को हम जहाँ पर 4 लीटर वाटर जग की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड y को यहाँ पर 3 लीटर वाटर जग की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ जग को हम एक्स और वाई के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम जग के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है, वाटर का जो अमाउंट है, उसको हम एक्स और वाई के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा फिल 4 लीटर जग। ओके, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक्स इज लेस देन 4। तो ये कंडीशन आपकी क्या बता रही है कि अगर एक्स के अंदर पानी नहीं है तभी आप उसके अंदर पानी भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 लीटर जग के अंदर वाटर फिल करेंगे तो यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर पहले से ही इसमें पानी होगा तो हम इस वाटर जग के अंदर वाटर फिल नहीं कर सकते हैं। सो आफ्टर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन वी विल गेट दीज फाइनल स्टेट्स, ओके, 4 एंड y। इट मीन्स दिस स्टेट्स आर डिनोटिंग दैट दिस 4 लीटर जग हैज 4 लीटर ऑफ वाटर एंड ओके एंड y यहाँ पर अभी एम्प्टी है, ठीक है। इसी के साथ सेकेंड जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा फिल 3 लीटर जग। ओके, यहाँ पर ये उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जो कि हमने यहाँ पर लिए, तो इसका अपोजिट हमने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पर y अगर एम्प्टी होगा तभी हम इसके अंदर वाटर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 3 लीटर जग के अंदर वाटर फिल करेंगे तो फाइनली जो स्टेट्स अवेलेबल होंगे वो हमारे x और 3 होंगे। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है और ये करंट स्टेट है एंड यहाँ पर ये फाइनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके बाद जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो हो सकता है एम्प्टी 4 लीटर जग ऑन द ग्राउंड, ओके, एंड कंडीशन विल बी x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन है वो ये बता रही है कि अगर आपके पास ऑलरेडी 4 लीटर जग के अंदर वाटर है तभी आप उसको ग्राउंड के ऊपर डाल सकते हो, अगर वो पहले से एम्प्टी है तो आप उस वाटर को ग्राउंड पे नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जब हम 4 लीटर वाटर जग में से पानी को ग्राउंड पे प्योर कर देंगे या डाल देंगे तो
यहाँ पर ये फाइनल स्टेट हमें जीरो एंड वाई की फॉर्म में मिलेंगे। इसी के बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है एम्प्टी 3 लीटर जग ऑन द ग्राउंड, तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ पर अगर वाई मतलब 3 लीटर जग के अंदर अगर वाटर अवेलेबल है तभी हम उसको ग्राउंड के ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद जो फाइनली स्टेट्स हमें अवेलेबल होंगे वो होंगे एक्स एंड जीरो। इसके बाद प्योर वाटर फ्रॉम 3 लीटर जग टू फिल 4 लीटर जग एंड कंडीशन विल बी, कंडीशन होगी 0 इज लेस देन एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब आपका जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई मतलब एक्स और वाई दोनों के वाटर को अगर हम एक जगह मिलाते हैं तो वो वाटर की क्वांटिटी 0 से लेकर 4 लीटर तक ही होनी चाहिए और y इज ग्रेटर देन 0 मतलब आपका जो 3 लीटर का जगह है उसके अंदर भी कुछ वाटर होना चाहिए, दोनों में दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम 0 से 4 लीटर दोनों को अगर हम मिला देते हैं, मान लीजिए हमने 3 लीटर में से 4 लीटर वाले जग में पानी डाल दिया है तो दोनों को मिला के मैक्सिमम क्वांटिटी वो 4 लीटर ही हो सकती है और उसके बाद जो बची हुई क्वांटिटी होगी वो 3 लीटर में रह जाएगी। तो यहाँ पर उसके बाद जो स्टेट्स होंगे हमारे पास फाइनली वो होंगे 4 मतलब इसकी क्वांटिटी 4 लीटर है तो यहाँ पर 4 लीटर ही वाटर सकता है और जो 3 लीटर में से अगर हमने 4 लीटर में डाला है तो y माइनस 4 माइनस x, इट मीन्स अगर आप मान लेते हो कि x की वैल्यू 3 है, ठीक है, x के अंदर मतलब 4 लीटर जग के अंदर ऑलरेडी 3 लीटर वाटर था और y के अंदर भी 3 लीटर वाटर हमने पंप से ले लिया है और फिर हम इस 3 लीटर में से 4 लीटर के अंदर वाटर डालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हम y की जगह क्या लिखेंगे 3 क्योंकि y के अंदर ऑलरेडी 3 लीटर वाटर है और माइनस के अंदर यहाँ लिखेंगे 4 माइनस एक्स, 4 इसकी क्वांटिटी है वो सॉरी 4 इसकी कैपेसिटी है तो 4 माइनस एक्स, तो एक्स के अंदर हमने कितना फिल किया था 3 लीटर, तो जब हम 3 लीटर में से 4 लीटर डालेंगे तो यहाँ ऑलरेडी 3 लीटर है तो यहाँ पर इसमें से इसमें वाटर डालेंगे तो 1 लीटर ही ये कंटेन कर सकता है और बाकी का 2 लीटर यहाँ पर बच जाएगा। तो जब हम इस फॉर्मूले में उस नंबर को रखते हैं तो यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेट है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 4 लीटर जग में से 3 लीटर वाटर डाल रहे हैं और ये कंडीशन बिल्कुल इसके अपोजिट काम कर रही है। जो यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने इस कंडीशन के लिए दिया था उसी स्टेटमेंट का अपोजिट ये बोल रहा है। इसी तरह से हमारे पास कई और कॉन्स्टेंट्स और कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और उन सभी कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए हम किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को उसके सॉल्यूशन की तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस स्टेट स्पेस सर्च के थ्रू वाटर जग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, इन्हीं को हम एग्जाम के अंदर इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, इनमें से आप जो पॉसिबल सॉल्यूशन या बेस्ट सॉल्यूशन आपको लगता है आप उसे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से किस किस स्टेट इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करने होते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट है वो 0-0 होगा मतलब दोनों वाटर जग आपके एम्प्टी होंगे। उसके बाद गोल स्टेट होगा 2-0 मतलब हमारे पास 4 लीटर वाटर जग के अंदर 2 लीटर वाटर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे 0 एंड 3। इट मीन्स कि हमने जो 3 लीटर वाटर जग है उसको पंप से फिल कर दिया है तो उसकी कैपेसिटी जो 3 लीटर है वो फिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जो दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो करेंगे कि हम जो 3 लीटर जग के अंदर हमने पानी फिल किया था पंप से उसे हम 4 लीटर में डाल देंगे तो यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी क्योंकि ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा और 4 लीटर जग के अंदर 3 लीटर वाटर आ जाएगा, ठीक है। ये x और y कोऑर्डिनेट के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 x को एंड 3 y को, यहाँ पर 3 x को एंड 0 y को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमने 3 लीटर जग से 4 लीटर जग के अंदर पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर हम फिर से 3 लीटर जग के अंदर पंप से पानी फिल कर देते हैं तो यहाँ पर दोनों वाटर जग के अंदर हमारे पास 3-3 लीटर वाटर अवेलेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, 3 लीटर वाटर जग से 4 लीटर वाटर जग के अंदर वाटर डाल देंगे, ठीक है। तो 3 लीटर में से जब हम 4 लीटर के अंदर डालेंगे तो यहाँ ऑलरेडी 3 लीटर अवेलेबल था तो यहाँ पर 3+1 1 लीटर पानी और आ सकता है तो हम यहाँ से 3 लीटर में से 1 लीटर पानी यहाँ पर डाल देंगे तो ये 4 लीटर हो जाएगा और यहाँ 3 में से 1 लीटर जब यहाँ 4 लीटर में डाल दिया जाएगा तो ये 2 लीटर बचेगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो ये होगा कि 4 लीटर जग में जो भी पानी फिल किया हुआ है उस पानी को हम ग्राउंड पर डाल देंगे और इस 4 लीटर जग को एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर ये 2 लीटर वाटर इस 3 लीटर वाटर जग के अंदर बचेगा।
अब यहाँ पर नेक्स्ट डेट के अंदर हम 3 लीटर वाटर जग के अंदर जो 2 लीटर वाटर अवेलेबल है उसको हम 4 लीटर वाटर जग में डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम हमारा गोल स्टेट अचीव कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर वे को फॉलो किया है, यहाँ पर कई पॉसिबल वे हो सकते हैं और उन पॉसिबल वेज के थ्रू आप अपना डिजायर्ड या गोल स्टेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाटर जग प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन हुई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सोशल मीडिया फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, आप हमको वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पेज पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। वहां पर हमारे जो भी क्विजेज वगैरह होते हैं हम उनके अपडेशन डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपको कोई नॉलेज मिली हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।